नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दर्शकों, अभी सिंगवा रागू गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और आप लोग देख सकते हैं पीछे काफी लोग मौजूद है और ये सड़क देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाई, देखिए किस प्रकार से जो रास्ता जो है वो जाम किया गया है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है सिंगवा रागू के ग्रामीणों ने ये रास्ता जाम किया है। क्यों किया है? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इस गांव के अंदर और इस गांव के अंदर ही नहीं, काफी इस क्षेत्र के अंदर ही जो बरसाती पानी है वो खड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी इनका मुख्य कारण सिर्फ यही है, क्योंकि आज तक इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं और इस आश्वासन पर आखिर ये कब तक रहे। आज फिर इन्होंने ये मुख्य सड़क जो है ये जाम की है। चलिए आपको दिखाता हूं मैं आपको आज की ये तस्वीरें। अरे ले आओ यार, ए कोई आप सभी के सामने है चीजें, ठीक है ना। जैसे कुछ चीजें होती है मौके की, मौके की है, ठीक है ना। मौके पे आपके पास 70 पाइप इरिगेशन डिपार्टमेंट से आ चुके हैं। दूसरा जो चक्कर है, ठीक है ना, लेने के लिए ट्रैक्टर जा चुका है, अभी आ जाएंगे वो पाइप भी। उसके अलावा 110 पाइप राजली से, 116 पाइप राजली से जो पड़े हैं, इरिगेशन के एसडीओ साहब हैं यहाँ पे और प्रदीप मलिक है वहाँ पे, उनको फ़ोन भी हो चुका है। यानी हम पहले कह रहे थे 100 पाइप, लेकिन 116 मिले वहाँ, तो 116 के 16 आपके गांव के लिए पानी उतारने के लिए आ जाएंगे। उसके अलावा और कहाँ थे? भगाना और हैं 230 पाइप, तो वो भी आ गए। जो मौके की बात थी ना, जो पानी उतरना चाहिए वो, उसके लिए जितना भी पुरजोर यानी एक तरह से राहत मिल सकती है प्रशासन की तरफ से, वो हमने मौके पे ही। अच्छा, दूसरी बात की बिजली की समस्या, इन चीज़ों को चलाने के लिए 24 घंटे मान लें बिजली हो, तो उसकी श्योरिटी के लिए हमने एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी को भी बोल दिया और उन्होंने हम भी भर ली कि भी स्टार्ट समझो आज से 7 दिन के लिए, और मेल भी कर दी, जो मेल होती है मेल पे भी डाल दिया उनको कि भाई 7 दिन के लिए बिजली निर्बाध रूप से चालू रहे ताकि पानी जो है जल्दी से जल्दी निकले। तो ये चीज 15 दिन भी लगेगी, हाँ कोई बात नहीं, आगे की भी दे देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना, आगे की भी देख लेंगे। लेकिन पता क्या है जो है ना, इस हिसाब से क्योंकि बिल्कुल मौके की बात है, ये मौके की बात, और रबजाया भी बंद करवा दिया जो, ठीक है ना, वो आप चाह रहे थे भी पानी की वहाँ से वो हो जाए, वो भी मौके पे ही बंद हो गया। तो ये थी जो मौके की बातें थी, जो मौके पे हो चुकी है हमारे आने के बाद, यानी जब आपने जाम लगाया हम आए मौके पे, ये चीज़ उपलब्ध आपको करवा दी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात होती है जैसे आप कह रहे हो कि लंबी एक लॉन्ग रन में इसका क्या सोल्यूशन है, ताकि जो परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है ना, किसानों का भी बार बार लॉस ना हो और सरकार भी यही चाह रही थी कि भी लॉस ना हो, ऐसा बार बार आए मुआवजा मिले और फिर किसानों को निशान हो फिर हम दें, तो उस तरह का जो तरीका है उसके लिए आज FCR साहब की मीटिंग थी सभी DCs के साथ और चल ही रही है, 4 बजे स्टार्ट थी, तो हमें बाई चांस उस मीटिंग में ही जाना था और मीटिंग की वजह से रास्ता चेंज करके मैं हांसी से सीधा यहाँ आ गया आपके बीच में, क्योंकि वैसे बुला रखे थे उस मीटिंग में भी जाना था, लेकिन क्या होता है कि परमानेंट सॉल्यूशन उससे निकलेगा आपका। जैसे अभी पूरा आइडेंटिफाई किए हैं किन गाँव में बार बार आती है, किन गाँव में बार बार मुआवजा देना पड़ता है या फ्लड बार बार आती है, पानी भराव बार बार हो जाता है, तो उनकी जो है ना उनके बारे में रिपोर्ट भेजी हमने, कल ही भेजी थी इस मीटिंग के लिए, आज वाली मीटिंग, ताकि उस पर जो है विचार विमर्श किया जाए भी कहाँ और किस लेवल पे उसकी
इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलजुल के कि भी कैसे एक प्लान करें कि परमानेंट सॉल्यूशन बने कि भी पानी रुके ही ना, खेतों में और घरों में जो आबादी का एरिया है उसमें पानी ना हो, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ है। और आप सबको पता है कि परमानेंट सॉल्यूशन में टाइम लगता है, एक प्लानिंग होती है, सारा बजट सब कुछ होता है और वो भी पुख्ता है, चलेगा, क्योंकि जब चीज़ें धरातल पे आने लग जाए ना, मीटिंग है और जो चीज़ें इस तरह से होने लग जाए तो लगता है कि भी हाँ चलेगा और वो बहुत बढ़िया किसानों के लिए परमानेंट सॉल्यूशन। क्योंकि किसी को किसी के खेत में पानी घुस गया उसका मुआवजा दे दिया, वो टेम्परेरी है, आप उसको दे रहे हो कि टेम्परेरी है जस्ट वो, लेकिन परमानेंट उसका सॉल्यूशन कि पानी इकट्ठा ही ना हो, ड्रेन में मान लिया ऐसी व्यवस्था की जाए ड्रेनों में फटाफट से जाके आगे निकले जहाँ उसकी ज़रूरत है, यानी कहीं तो पानी ज़्यादा कहीं कम है, तो उसी दिशा में जो है अब जो हरियाणा सरकार जो कर रही है ना कि भी उस तरह से ही कर रही है कि भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाए पानी, हमारे पास क्यों इकट्ठा हो पानी, हमारा नुकसान कर रहा है वो, तो वो जो चीज़ है यानी उस तरफ परमानेंट समाधान। और जो टेम्परेरी वाली सारी बात मैंने आपको हो चुकी है लगभग, टेम्परेरी वाली जितनी समाधान बताया ना आपका पाइप, और वो बिल्कुल आपके सामने है और सामने ही फ़ोन किए थे आपके, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है प्रशासन पे आप विश्वास रखो, प्रशासन देखो सीधी सी बात है जनता के लिए ही होता है प्रशासन, और आपकी बात बिल्कुल मैं इसको भी नहीं कहूँगा कि भी गलत बैठे हो या जो वो चीज़ भी नहीं कहूँगा, कारण है क्योंकि जब आदमी दुखी होता है ना दुखी होके ही आता है और दुखी होके ही प्रशासन को बताता है, और प्रशासन क्या करता है उस बात को सरकार तक फिर आगे पहुँचाता है, निर्णय सरकार ने बड़ी पॉलिसी में निर्णय सरकार ने लेना होता है, ठीक है, लेकिन भाई प्रशासन का अधिकारी है कि भाई उस नाते हमें फील्ड में आए भी हैं और आना भी पड़ेगा आगे, कभी भी अगर मान लिया ये समस्या आपको बाद में भी आए तब भी हम यही हैं, ठीक है ना, यही मिलेंगे आपको, कोई दूर नहीं है आपसे। तो यही आश्वासन मैं दूंगा कि जो आपकी जो समस्या है पानी निकासी की, क्योंकि एकदम से यानी आप लगाओ कि भी इमिडिएटली जो रिस्पॉन्स किया है प्रशासन ने उसको देखते हुए आप जो है इस जो जाम को सड़क जाम को खोलने का मैं तो अनुरोध करूंगा आपसे कि आप सभी जो बैठे हैं गाम राम में, मेरे ख्याल अभी भी आपके सामने लगभग काफ़ी टाइम हो गया, एक घंटा इसके लगभग हो ही गया होगा, एक घंटा तो एक घंटे से ज़्यादा ना, आपको तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को भी लगभग एक डेढ़ घंटा के आसपास यहाँ हो गया आपके बीच में, क्योंकि पता लग जाता है देखो झूठ का और सच का ही पता लग जाता है, मैं झूठ बोलूँ कि भी हाँ आ जाएंगे पाइप, जब आ ही गए समझ रहे हो ना बात, एक चीज़ कि भी आ ही गए नहीं या तो उस दिन भी बता ही दीजिए, अपना एसडीओ साहब आए थे ये भी उस यही बात बताए गए थे भाई, एक हफ्ता या पंद्रह दिन में आपका पानी तैर देंगे, असली बात नहीं, सीधी बात तो यहाँ बताओ, यहाँ सीधी बात है जी, हमें बताओ यह बात सीधी, एक बात बताओ जी, तीसरा हफ्ता चालू हो गया इसमें, यो पानी आज तो पहले उतर जाए लोगों ने जरूर किया, अगर जो उस टाइम चार पांच मोटर लुवाए थे निर्माक माँ पानी उतर ले रहा अचानक, तो तीन हफ्ता के चलते हैं चलाएंगे, वो चलाओ भी सारा काम करेंगे। नहीं एक बात बताओ जी, प्रशासन की मैं करना चाहूँ कर नहीं सकता, प्रशासन की मैं करना चाहूँ कर नहीं सकता, मैं विश्वास 3 महीने पहला करा था जी, 3 महीने पहला मैं सारा काम मारा अड़े बैठा था, मैं हमने यह विश्वास जद कराया था, कड़ा गया मेरा पानी उपड़ा सारा, दो दो तीन तीन घंटे जमींदार भूखे में ना भूखा कड़ा है, पाइप है, पाइप आए वे नूना नूना लाए दिए, जो बात कह के गए थे नहीं वीडियो साहब, जो बात कह गए थे वही तो कुनी हुई मारी, पाइप का क्या करा मैं,
पाइप आगे करा। पाइप नहीं चाहिए आपने, पाइप भी चाहिए, मोटर भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, आप भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी शायद और तैर दो हमारा पानी। चार महीने पहला मार लग जाए बात कही थी, तैर देंगे पानी, कड़ा गया वो पानी, नुआ है सारा काम में पानी। मैं वही कह रहा हूँ, पाइप आए हैं, अब उतरेंगे जैसे पानी करतौरी कराओ, पटवारी ने कह के पानी चढ़िया पड़े है। आपने चंडीगढ़ का रोड बनवा था जी, बस लाल ने रात तो रात बनवा था जी, प्रशासन ने बनवा था, वो बिना सरकार को नहीं बना था, वो भी सरकार गल्ला बनाया जी। नहीं सही बात है, बस लाल ने चंडीगढ़ टूटा दी जाता है, रात रात में रोड बनवा था, वो रियल बात है, सरकार चाहो जी के नहीं कर सकती। अमन दे दो, तेरा पानी पांच दिन में, दस दिन में तरवा देंगे, बता दो जी कितने दिन में पानी उतर जाए। एसडीओ साहब ने पूछा, एसडीओ साहब यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, अब पाइप आपके सामने आगे आगे ना, पाइप तो पहले भी काम ठीक है ना। दूसरी बात जैसे जो है ना, यहाँ रह के हम यही है, कोई ज्यादा दूर नहीं, ना आप भी ज्यादा दूर, ठीक है ना, और समाधान करने के लिए बैठे हैं। आपकी समस्या अभी पानी उतरे समस्या है, और पाइप हम बिल्कुल सामने, इलेक्ट्रिसिटी बिजली लगा लो, 24 घंटे का बोल दिया एसडी साहब ने, बोल दिया भाई बिल्कुल हाँ कि ठीक है 24 घंटे आएगी। पहले भी जाम लगा था 3 महीने पहले, कम से कम 3-4 साल से पानी चढ़ है गांव में, पूरे गांव में जल भरा हो रहा है, प्रशासन आश्वासन दे गया एसडीएम साहब पहले भी, 3 महीने के बाद दोबारा जाम लगा है। किस समय लगाया था ये जाम? लगा था करीब 10-11 बजे बीच, तहसीलदार साहब आए थे, मेरा आश्वासन दे गए हैं, मतलब पानी का पक्का समाधान कर देंगे, परमानेंट पाइपलाइन का, और 10 दिन में 20 दिन में पानी करवाए जाएंगे, आश्वासन दिया आप भी, अगर जब प्रशासन ने या सरकार ने सुनाई कर ली ठीक है, नहीं फिर दोबारा फिर जाम लगाएंगे, जाम लगाएंगे। एक सरब संगवा नहीं लगाएगी, छिंदड़ खनपुर ग्राए रजली डैड बदौड़ जितने भी नहीं, सब इकट्ठे हो जगह यहाँ पर, ना सरकार की मानना गए ना ऐडा कोई अफसर है जियो, रोड जाम चल कई दिन, आस पास के गाँव है सब में यही समस्या है, जिस तरह सिंगवा खनपुर सिंगड़ डाका गुराना डैड सब में यही समस्या है जी। कितने दिनों से आ रही है क्या जी ये? 3 साल ये समस्या हूँ तो 5-4 साल से आओ पानी को, अब तो 1 साल हो गया लगभग, पिछली सर्दियों में जो बारिश हुई थी उससे लेके लग पानी नुक्का नहीं हो भराव, जल भराव आज भी करीब सिंगवा में कम से कम 800 किलो में जल भराव है।